हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपकी इस वीडियो में एसएससी जीडी 25 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कराते हैं। तो फ्रेंड्स, एकदम रियल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एकदम फ्रेंड्स रियल क्वेश्चन है जो पूछे गए। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूची, अनुच्छेद 395। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान्यायवादी राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद के तहत नियुक्त करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति महान्यायवादी को नियुक्त करता है। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स देखते हैं, जो राष्ट्रपति का अनुच्छेद है वो 52वां अनुच्छेद है। ओके फ्रेंड्स, 52वां अनुच्छेद राष्ट्रपति का, दल बदल 110 अनुच्छेद और राज्यपाल का 153, और फ्रेंड्स जो राज्य की भाषा है 243 ए में है। ओके फ्रेंड्स, और जो सरला लिखा है संसद 79 में है, राज्यसभा 80 में है और 81 में लोकसभा। तो फ्रेंड्स, इसकी ट्रैक है सरला, सात से सरला 79 में, राज्य फ्रेंड्स जो राज्य की है वो 80 में और लास्ट लोकसभा 81 में। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुचिपुड़ी सम्मान 2022 में किसे दिया गया है? एक फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था, तो शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नृत्य है जिन्हें मिला था। ओके फ्रेंड्स, शिरोमणि पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा के उपचुनाव विजेता कौन रहे? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा संदीप रॉय, ये त्रिपुरा के उपचुनाव विजेता रहे। ओके, यहाँ के मुख्यमंत्री कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन बने हैं त्रिपुरा के। एक नया क्वेश्चन आया फ्रेंड्स, गोची महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, गोची जो महोत्सव है वो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल राज्य में मनाया जाता है। ओके, हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिला में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य दिया गया था, पूछा गया था इनमें से कौन सा लोक नृत्य नहीं है? तो छत्तीसगढ़ के फ्रेंड्स पिंडवानी, भरथरी, ढोला, मारू, दादरिया, बांस, गीत, ये सब छत्तीसगढ़ के लोग निर्यात हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल पोस्ट का एरिया कितना होता है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दिया है गोल पोस्ट का एरिया 10 यार्ड या 9.15 मीटर का होता है। फ्रेंड्स, ये देखो, ये क्वेश्चन एकदम रियल फ्रेंड्स है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर डेली ऑल सब्जेक्टों का एनालिसिस होता है, एकदम रियल क्वेश्चन लेके आता हूँ फ्रेंड्स। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, पंचवर्षीय से हर सेप्टर में डेली एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये जरूर पढ़ के जाएँ टॉपिक। जो पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही, पहले तो ये बताएं, 1992 से 1997 तक। और जो इसका जो आधारित है, औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण पर आधारित था फ्रेंड्स। प्रथम पंचवर्षीय कब हुई थी? 1951 से 1956 तक, और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक। ओके फ्रेंड्स, और तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से लेके 66 तक रही फ्रेंड्स। ओके, पंचवर्षीय योजना जरूर पढ़ के जाएं, बहुत मोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 के ओलंपिक में भारत की तरफ से कौन पहला मेडल जीता था? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा केडी यादव, व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं। ओके फ्रेंड्स, केडी यादव राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, सपोर्ट बनाए रखें अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति पूर्वी घाट पर मिलती है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, तो भील जनजाति एक जनजाति है, भील जनजाति भारत की सर्वाधिक जो भील, एक मिनट फ्रेंड्स, जो भील जनजाति है भारत की सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है फ्रेंड्स। भील जनजाति क्या है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, इस साइड बहुत पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य में कौन सी नदी के किनारे बसे है? तो फ्रेंड्स, मगध साम्राज्य राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में गंगा होगा तो गंगा राइट आंसर हो जाएगा, वो मगध की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी का पर्यायवाची पूछ लिया गया था फ्रेंड्स, ये हाथी का पर्यायवाची कौन कौन है? तो फ्रेंड्स, ये आप कमेंट ऑप्शन आंसर दीजिए इसका। एक क्वेश्चन पूछा गया था बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संबंधित, एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, तो क्या इलेक्ट्रॉन की जो खोज की है थॉमसन ने खोज की है और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है आज के, एकदम रियल क्वेश्चन है, एकदम सही क्वेश्चन जो पूछे गए एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और फ्रेंड्स आपको बताते कि एग्जाम एकदम बिल्कुल ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ रहा, वही क्वेश्चन आ रहे जो पहले पूछे जा रहे थे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं रात में 8 बजे पर ऑल शिफ्टों के साथ, ऑल शिफ्टों की वीडियो लेके आऊँगा रात में 8 बजे एकदम रियल क्वेश्चन। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके फ्रेंड्स।